Hello learners, in this session we will study some of the regional trading blocks or trading groups. In our previous session of regional economic integration, we studied about the economic integration, different stages or levels of economic integration and the advantages of economic integration. Today in this session we will study some of the major regional trading blocks. Although there are many regional trading blocks in every region of the world, but it is impossible for us to cover each and every trading block. So in this session we will cover some of the major trading blocks. So first, which we will study now, is the European Union. So European Union is the world's largest and most successful regional trading agreement. It is a political and economic union of 27 member countries that are located primarily in Europe. European Union jo tha wo as a custom union existence mein aaya, but the formation of European Parliament and the establishment of a common currency jo ki euro hai make the European Union the most ambitious and regional trading group. अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन जो था वो एग्जिस्टेंस में आया. वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ. यूरोपियन पॉलिटिकल लीडर्स ने इस बात को जल्द ही रियलाइज़ कर लिया कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करती है तो वो जल्द ही इस लॉस से उभर जाएंगी. इसके लिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्री की इस बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जिनमें से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एक पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक के रूप में उभर कर आया. यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को बाद में यूरोपियन कम्युनिटी का नाम मिला और फाइनली मास्ट्रिच्ट ट्रीटी में 1993 मास्ट्रिच्ट ट्रीटी में यूरोपियन कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई यूरोपियन यूनियन में. तो यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ब्लॉक है, एक आप कह सकते हो समूह है, जिनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इंटरनल टैरिफ्स होते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में उनको रिमूव करना, और इस तरह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ज़रिए ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ये अपने पॉलिटिकल जो कन्फ्लिक्ट है उनको भी दूर करना. तो इस तरह से यूरोपियन यूनियन जो था वो एग्जिस्टेंस में आया. अब हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है उसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ है. तो ये एक लिस्ट है यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ की, जिसमें जो यूनाइटेड किंगडम था वो जो कि यूरोपियन यूनियन का फाउंडिंग मेंबर भी रहा है, उसने इस ग्रुप को 2020 में लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया. नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो यूरोपियन यूनियन हैव प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग गवर्निंग बॉडीज. तो कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉमन प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग गवर्निंग बॉडीज़ है? द यूरोपियन पार्लियामेंट, द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, द यूरोपियन कमीशन, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स. सो ये कुछ कॉमन गवर्निंग बॉडीज़ है यूरोपियन कंट्रीज़ की. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज टू अंडरस्टैंड द गवर्नेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन. जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है, बिज़नेस करना चाहती है, उनके लिए यूरोपियन यूनियन की ये जो गवर्निंग बॉडीज़ है उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि दीज गवर्निंग बॉडीज सेट द पैरामीटर अंडर विच मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज मस्ट ऑपरेट. सो मैनेजमेंट नीड टू अंडरस्टैंड दीज बॉडीज एंड हाउ देयर डिसीजन कुड अफेक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. सो ये मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, कंपनीज जो होती हैं, उनके लिए इन गवर्निंग बॉडीज़ को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही गवर्निंग बॉडीज़ जो होती है वो इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के लिए पैरामीटर सेट करती है, जिनके अंडर ही जो बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो फिक्स करती है. सो ये था यूरोपियन यूनियन के बारे में. नेक्स्ट जो ट्रेडिंग ग्रुप है वो है नाफ्टा. नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. नाफ्टा इंक्लूड्स कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको, और ये एग्जिस्टेंस में आया January 1, 1994 में. द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा हिस्टोरिकली हैड वेरियस फॉर्म्स ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक्स एग्रीमेंट्स. जो यूनाइटेड स्टेट्स है और कैनेडा है उसके बीच में काफ़ी तरह के जो एग्रीमेंट होते थे.
In February 1991, Mexico approached the United States to establish a free trade agreement. 1991 में मैक्सिको ने यूनाइटेड स्टेट को अप्रोच किया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए. सो 1991 में फॉर्मल नेगोशिएशंस के जरिए कैनेडा, यूएस और मैक्सिको में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको कि नेफ्टा का नाम दिया गया और ये 1 जनवरी 1994 से इफेक्टिव हो गया. नेफ्टा इज़ एन अमेरिकन काउंटर पार्ट टू द यूरोपियन यूनियन. तो जो नेफ्टा है वो यूरोपियन यूनियन का आप कह सकते हो कि एक अमेरिकन वर्जन है. यूरोपियन यूनियन जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का मेन ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वहीं पे जो ये नाफ्टा हुआ है, जो ये अमेरिकन इंटीग्रेशन हुआ है, ये प्योरली इकोनॉमिक है. नाफ्टा ट्रेड ब्लॉक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक इन द वर्ल्ड बाय ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. न्यूमरस टैरिफ्स, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल वर ग्रेजुअली फेज्ड आउट बिटवीन January 1, 1994 एंड January 1, 2008. NAFTA purpose was to encourage economic activity among North America's three major economic powers. तो NAFTA का जो basic objective यही है कि ये जो तीन major economic powers है, Canada, US और Mexico, इनके बीच में जो economic activities है, जो इनके बीच में trading activities है, उनको encourage करना. Next जो trading block है वो है ASEAN. ASEAN का full form है Association of Southeast Asian Nations. So ये जो group है, ये जो block है, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में विद द एम टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन साउथ ईस्ट रीजन. इसकी मेंबर कंट्रीज है ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लॉस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. तो ये कंट्रीज़ जो है वो एशियन कंट्रीज़ कहलाती है. एशियन रीजन हैज़ ए लार्ज मार्केट साइज. इसमें जो 60 करोड़ लोग इस रीजन में आते हैं और इसका एरिया है 1.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स और 4.0 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. एशियन रिप्लेस द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया विच हैड बीन फॉर्म्ड बाय द फिलीपींस, थाईलैंड एंड द फेडरेशन ऑफ मलाया इन 1961. एशियन का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी. नेक्स्ट जो ट्रेडिंग ब्लॉक है वो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन. इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन. द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज नोन एज मेंबर स्टेट. ऑन 8 December 1985 सार्क वॉज कम इन टू फोर्स विद द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर इन ढाका. सार्क जो है एसोसिएशन, जो ग्रुप है, उसमें 8 मेंबर कंट्रीज है. वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. द सेक्रेटेरिएट ऑफ द एसोसिएशन इज एस्टैब्लिश्ड इन काठमांडू ऑन 10 January 1987 एंड वॉज इनॉग्रेटेड बाय लेट किंग वीरेंद्र वीर विक्रम शाह ऑफ नेपाल. सार्क कंप्राइज 3% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया, 21% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन and 3.8%, that is approximately 2.9 trillion US dollar of the global economy. Last economic jo trading bloc hum discuss karenge wo hai APEC, the Asia Pacific Economic Cooperation. APEC was formed in November 1989 to promote multilateral economic cooperation in trade and investment in Pacific Rim. It is composed of 21 countries that border the Pacific Rim, both in Asia as well as in America. So, जो APEC है, इसमें 21 countries से ये बना है और ये वो country है जो कि Pacific Ocean के साथ, जिनका border जो Pacific Ocean के साथ अपना border share करती है. During the meeting in 1994 in Bogor, Indonesia, APEC's leaders adopted the Bogor goal, which aim is to achieve free and open trade in the region by 2010 for the industrial nations and by 2020 for the rest of the members. India has requested the membership in OPEC and it is also supported by United States, Australia, Japan and
पपुआ न्यू गुनिया ऑफिशियली हैव डिसाइडेड नॉट टू अलाउ इंडिया टू ज्वाइन फॉर वेरियस रीजन्स. ऑफिशियल्स दे हैव डिसाइडेड नॉट टू अलाउ इंडिया टू ज्वाइन फॉर वेरियस रीजन्स कंसिडरिंग दैट इंडिया डजेंट शेयर द बॉर्डर ऑफ पैसिफिक ओशन विच ऑल करंट मेंबर्स डू. सो हाउ इन नवंबर 2011 इंडिया वॉज इन्वाइटेड टू बी एन ऑब्जर्वर. सो लर्नर दिस इज ऑल अबाउट द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स. सो हेयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू. So this is all about this session. Till the next session, bye and happy learning.